बड़ी मुश्किल से पैसे चोरी करके लिया था स्कल मास्क। एक टाइम था जब स्कल मास्क से बच्चा बच्चा डरता था, और डराता भी कौन था, मैं डराता था ना, लेकिन आजकल की पीढ़ी डरती ही नहीं है। अबे वही नोबड़े क्या कर रहे हैं, रुक रुक नोबड़े रुक, क्या कर रहे हैं? अच्छा हमको सिखा रिया है, सुतिया है क्या? एक तो ये टट्टी जैसा मास्क पहन के आ गया, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है तेरे इस मास्क पे, मेरी नजरों से दूर चला जा। चूतिया पता नहीं क्या हगने जा रहा होगा, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे, मैंने आज तक किसी के Alright, तो फाइनली मैं आपको बताने वाला हूँ कि मुझे स्कल मास्क कैसे मिला था। YouTube पे अपनी स्टोरी टाइम में बहुत सारे यूट्यूबर्स रिवील कर रहे हैं कि मुझे हिप हॉप कैसे मिला, मुझे सकुरा कैसे मिला, मुझे ये कैसे मिला, ये कैसे नहीं मिला। तो इसी को देखते हुए हमने भी सोचा कि क्यों ना आपको बता दिया जाए कि मुझे स्कल मास्क कैसे मिला। सिंपल सी बात है, पहली बात तो स्कल मास्क की मैं आपको एक बात खास बताने वाला हूँ भाई, इसका जो रुतबा था ना पहले, आज से 2 साल पहले जो रुतबा था, किसी की हिम्मत नहीं थी इसके सामने खड़े हो जाने की। आर यू कॉमेडी मी? देखो उस टाइम पे हिप हॉप होगा, सकुरा होगा, ये सब, लेकिन उतनी उनकी इज्जत नहीं थी जितनी की इज्जत इस चीज की। इस चीज का मतलब सकुरा बंडल नहीं, हिप हॉप बंडल नहीं, बल्कि स्कल मास्क, हमारा सबका स्कल मास्क और सबसे डरावना मास्क स्कल मास्क। देखो अभी मैं तुम लोगों को ना एक क्लिप के जरिए दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से उस समय इसका खौफ हुआ करता था। बट भाई प्लीज रिक्वेस्ट ले लेना हमारी। भाई तुम मार दो, हम तुमको देखेंगे। भाई को लाइक दे दो, लाइक दे दो, लाइक। रुको जरा भाई, भाई बहुत प्रो है, भाई बहुत प्रो है, भाई भी मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। भाई उसको हेडशॉट देना, भाई हेडशॉट देना। नहीं 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 अरे नहीं भाई, भाई हेडशॉट मारना उसको। 2017 में बहुत कम लोग थे जो कि 1v4 क्लच कर सकते थे, और वैसे में स्कल मास्क होना एक फायदेमंद बात होती है, बताता हूँ कैसे। स्कल मास्क वाले बंदे जो भी होते थे ना, उनसे पहली बात तो डर बहुत लगता था, सेकंड चीज उनकी कोई बेइज्जती नहीं कर सकता था, बिकॉज वो काफी प्रो हुआ करते थे, एंड मतलब देखने से खतरनाक लगते थे। और इसका फायदा ना मैं भी बहुत उठाया है, मैंने बहुत उठाया है, सच बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा। तो अब सुनो मैंने स्कल मास्क कैसे लिया था। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, गर्मियों की छुट्टी चल रही थी, गर्मियों की छुट्टी, और उस टाइम पे स्कल मास्क आ चुका था उससे पहले ही। और 2017 में जब गेम खेलना स्टार्ट किया था ना, गेम खेलना कैसे स्टार्ट किया था, मेरे भाई ने गलती से गेम डाउनलोड कर लिया था। उस टाइम पे मेरे पास 2GB रैम फोन हुआ करता था, नेट भी नहीं हुआ करता था, मैंने उसको 3 बार डिलीट मार दिया था। मैं बताता हूँ फ्री फायर का क्या सीन था। मैं डिलीट इसलिए मार देता था ना क्योंकि नेट बहुत चला जाता था यार उस समय, पता ही है 2017 में क्या सीन था। मिडिल क्लास फैमिली से रहता हूँ जहाँ पे की एक एक चीज को जो है ना बचाया जाता है, और खास करके नेट और फोन तो हमें दिया नहीं जाता था, लेकिन तो फिर भी मम्मी का फोन था 2GB वाला, उसमें फ्री फायर डाउनलोड किया था एंड फ्री फायर खेलना स्टार्ट कर दिया था। अब स्कल मास्क की स्टोरी सुनो, जब ये आया था आज से 2-2.5 साल पहले, मैं भी बहुत डरता था, मैंने बहुत बाद में लिया था क्योंकि मैं जब भी कोई स्कल मास्क वाला आता था ना मेरे को बड़ा डर लगता था। और मजे की बात तो देखो मेरे टीममेट्स मुझसे ज़्यादा डरते थे क्योंकि उनको ये बड़ा पसंद था, और मैं भी कहता अरे भाई इनको डराना है तो अब स्कल मास्क लेना पड़ेगा। स्कल मास्क की कुछ स्टोरी ऐसी थी कि स्कल मास्क आया था 90 डायमंड्स में, ओके ये वाला जो मेरे पास है। उस टाइम पे 90 डायमंड्स मतलब समझ रहे हो, एक बार तो मतलब समझ लो कि गेम में टॉप अप कराना ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन मेरे मन में था अगर मुझे इस पूरी फ्री फायर कम्युनिटी में थोड़ी बहुत इज्जत कमानी है, बंदों को डराना, अपने दोस्तों में थोड़ा सबसे ऊपर जाना है और ग्रुप में सबसे ज्यादा इज्जत लेनी है तो इसको तो लेना पड़ेगा। तो मैंने बहुत ट्राई किया, मैं सच बता रहा हूं, मैंने बहुत ट्राई किया,
लेकिन मैं टॉप अप नहीं कर पाया। मैं इतना बड़ा वाला गंवार था आज से 2 साल पहले कि मैं टॉप अप ही नहीं कर पाया। मानना पड़ेगा, मतलब कह सकते हो कि हम लोग बहुत डरते थे। अगर मुझे ऐसा लगता तो मेरा बैंक अकाउंट हैक हो जाएगा। मेरे घर में ऐसा माहौल बन रखा था कि थोड़ा बाहर भी पैसे दिए ना तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। 10 रुपए 5 रुपए ब्लूटूथ ऑन हो जाने से पैसे कटते हैं, एक ये बहुत बड़ा मिथ था हमारे घर में। वाह, कमाल की बात तो ये है कि स्कल मार्क्स जो है ना फाइनली मेरा निकल जाता है। कैसे मैं निकालता हूँ, एयर ड्रॉप आता है और एयर ड्रॉप से मैं रिडीम कोड बना के एयर ड्रॉप ले लेता हूं। एयर ड्रॉप का रिडीम कौन बनाता है तुम लोगों को मालूम है? मेरी टीचर। गाइज मेरा स्कलमास निकल जाता है, बहुत मजा आ रहा होता है। क्लिप दिखाता हूं तुम लोगों को, उसी से समझोगे। और हाँ, अभी जाना नहीं, अभी ट्विस्ट बाकी है मेरे दोस्त। अरे भाई, स्कूल मास्क वाला है अपने ग्रुप में ला दे। देखो भाई, बिग पेन भाई कितना प्रो बंदा अपने स्क्वाड में। क्या सोच है रे तेरी? वो अपने सारे फ्रेंड को दिखाऊंगा मैं, स्क्रीन शॉट लूंगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। भाई कितना प्रो बंदा आया है। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। भाई फर्स्ट टाइम आया है मेरे ग्रुप में। हाँ, इमोट भी है भाई, बैक पे ले भाई, इमोट भी है भाई इसके पास। सुनो, तुम लोग अपनी आईडी पास दोगे मुझे? तुम लोगों ने देखा था कि मैंने किस तरीके से यहाँ पे एक सेवेज मूवमेंट डाला, लेकिन वो रियल नहीं है। मैं कभी भी आईडी पासवर्ड नहीं मांगता था। लेकिन हाँ, बहुत सारे बंदे बोलते थे भाई आईडी पास ले लो या मेरे फ्रेंड बन जाओ, मुझे रिक्वेस्ट में ले लो, ये ले लो, मतलब इज्जत एकदम बढ़ गई थी ना। 4 दिन की चांदनी या फिर अंधेरी रात, वैसे सीन मेरे साथ हुआ। 1 साल बाद आईडी बैन हो जाती है। आईडी बैन का मतलब खत्म हो जाती है फोन से, मतलब खत्म। क्यों? क्योंकि एक गेस्ट आईडी थी। तो एक बार फिर से पूरे 1.5 साल ऐसी बंजर की तरह निकलते हैं, नुबड़ों की तरह। लेकिन फाइनली जब 1.5 साल बीत जाते हैं, तब मतलब 3 साल होने वाले होते हैं फ्री फायर को, तब पता क्या सीन होता है। सीन ये होता है, लॉकडाउन में मैंने लिया था एयर ड्रॉप में, और फिर इस तरीके से एयर ड्रॉप पे मैंने ले लिया था, बिकॉज अब तो एयर ड्रॉप में आ ही गया ना स्कल मास, अब क्या इज्जत रही यार। और हाँ, वो एयर ड्रॉप भी मतलब 30 रुपए का जो था ना, वो भी बहुत भारी पड़े थे, बिकॉज वो भी मैंने चोरी करके लिया था, मम्मी के पर्स से चोरी किए थे। I was acting. हट बड़वा। मतलब चोरी किए थे यार, घर वालों से चोरी किए थे, पर्स में कहीं रखा रहता था, कभी इधर रखता था, तो मतलब। और वो भी 2-3 दिन लगे थे यार 10-10 रुपए रोज चोरी करने में, क्योंकि जब 20 रुपए निकाल लो ना तो घर वाले को पता लग जाता था, तो बड़ी कमाल की चीज़ थी। तो यही सब बातें थी, और मैंने आपको अपना पर्सनल शेयर किया, लेकिन बाद में जो समझ में आ गया था कि कुछ इससे होता नहीं है, बिकॉज बाद में ये चीज़ गरीना जो है बहुत चलाक है, वो दे देती है और उसके बाद सब खत्म, मतलब सब खत्म हो जाता है। जितना भी तुमने पैसा लगाया होता है रेयरनेस करने में, अपनी आईडी को बहुत रेयर बनाने में, बहुत रेयर चीज़ें लेने में, सब खत्म हो जाएगा एक टाइम पे, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तुम्हारे पैसे बर्बाद है और कुछ नहीं। लेकिन मेरे कहने से क्या होगा, तुम लोग अभी भी लोगे, क्या करोगे? ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सो गाइज, अगर आप सभी लोगों ने ये स्टोरी सुन के मज़ा आया, आप सभी लोगों ने बहुत पसंद किया है इसको, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फलाना ढिमकाना कुछ मत करो। उम्मीद करता हूँ आपका टाइम अच्छा गुजरा हो, जो भी स्टोरी आपको मज़ा आया होगा, ठीक है। तो आपको अगर मज़ा आया है तो बस एक लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कभी। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो टुक्के से मिलेंगे, वरना मिलेंगे ही नहीं, चलो बाद में मिलते हैं। एंड हाँ, टॉपअप कम करो, ओके? टॉपअप कम करना चाहिए, सही सी बता रहा हूँ, टॉपअप कम करो, ओके? बस यही मैसेज है। मेरी बाकी सारी वीडियो भी देख सकते हो, आप सभी लोग अगर देखना है तो। मैं टॉपअप को सपोर्ट नहीं करता, टॉपअप नो टॉपअप, #NoTopUp, ओके? चैट में भी लगा देना गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। नहीं।